तो भाई यहाँ पर जितनी भी बाइक आई हुई ना, वो सबसे पहले ना उसको गंगा जल से शुद्ध किया जाए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर डाक उड़ जाएगी भाई। उधर भी बाइक है, इधर ही हमारा जो मूसल गांव का ग्रुप आ रखा भाई, ये है उधर है, दो ये खड़े, एक ये खड़ा और बाकी सारे खड़े छाँव में। हम जितनी बाइक लेके आ रखे ना, ये सारी ऐसे गंगा जल से एक बार उनको शुद्ध करेंगे। और वहाँ पर वो भाई लगे हुए बोले रे तेरी बम बम, इतने भयंकर भीड़ हो रखी है हर की पौड़ी। और इस बारे में तो भाई जैसे कुछ है ही ना पानी का, तो मतलब ये नहीं है। देख इधर में तो है थोड़ा गैप, लेकिन उस साइड में कुछ नहीं है भाई। अभी हमारा भी जल उठेगा भाई, बस 6 बजने वाले हैं ना, तो 6:15 बजे के आसपास जल उठाएंगे। देख 5:38 हो चुके हैं। और आज भाई जो कल जाम लगा हुआ था ना भयंकर, आज नहीं, आज बस चलती हुई गाड़ियाँ दिख रही है, आज कोई जाम वाम नहीं है भाई। अभी ना देखो डाक काउंट का जल भरने वाले हैं भाई, और ये हमारी टीम है पूरी मुरथल गाँव की। पंडित जी भी आ गए भाई। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। खुशहाल रखना, भूल चूक माफ करना, जय जयकार करना, अपना पितरों का ध्यान करो, दादा परदादा सभी का ध्यान करो। बोले हे गंगा माता, हे भोलेनाथ, हमारे पितरों की आत्मा शांति देना, मोक्ष की प्राप्ति देना, सदगति की प्राप्ति देना, हमारी पूजन को स्वीकार करना, मैं शंकर भगवान की जय। भाई 6:15 बजे उठाने वाले, लेकिन अब उठाएंगे 7:15, जो भी टाइम बचा हुआ ना भाई, तब तक डाक कार्ड गंगा जल के अंदर ही रहेगी भाई। दो मिनट रहेगी, दो भाई टाइम देखनी पड़े, दो मिनट, क्योंकि जो टाइम है ना उस टाइम पे निकलना ही है भाई। गति लास्ट वाली मिनट बची है, लास्ट वाली गति। भाई अब देख लो ये चल पड़ी है मुरथल की डाक कावड़। सर्कल में बना के निकलना पड़ता है, क्योंकि भीड़ हो रखी है ना, और साथ में गंगा आरती भी हो रही है। जय भोले, हाँ भोले बाबा की जय। इतनी भीड़ में से डाक कार्ड को निकालना ना भाई, मतलब है कुछ अलग ही लेवल की चीज है। हर हर महादेव, बम 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 बम, क्योंकि ज्यादा रकावट जा रही है ऊपर पुल से। बम बम बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बम बम। तो भाई मुरथल से एक ये डाक आउट जा रही है जिसके साथ में मैं हूँ, और दूसरी ये भाई देख ये भी आ रखी है मुरथल से ही है। अभी भाई मैंने 3-4 डाक आउट देखे जो मुरथल गांव से आ रखी है, जिसमें से दूसरी ये है। रवि भाई बोले रे तेरी बम 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 बोले। अब देखो बोले बाबा के भक्ता की भीड़, क्योंकि अब ना जिनको भी गाड़ी निकालनी थी वो आगे ला के खड़ी करके, देखो जैसे आगे डीजे हमारे वाला भी जो गाड़ी खड़ी है ना डीजे वाली, वो आगे खड़ी है भाई। और दोनों मुरथल की डाकोड़ हम साथ साथ चल रही है भाई, सही है, क्योंकि ये भाई 5 बंदे और अपना तो पूरा ही ग्रुप है भाई, को कहीं नहीं पता यार कितनी दूर खड़ी करके ना भाई ना। वाह, और भाई देख एक ही रोड है, क्योंकि एक साइड में गाड़ी खड़ी होगी और इसमें से बाइक चल रही है, और भी हमें भी चाहिए जगह पैदल चलने के लिए भी।
भाई ये देखो ना, इतनी भीड़ में भी डाक आउट जा रही है भाई। देखो ये तो भाई भाग रहे ना। अरे ये तो अपने ही, अरे बोले भाई निकल चुकी है मुसल की डाक आउट। अरे बड़े भाई आगे ना जाम लगा हुआ है भाई, हमें को भी ऐसा गाड़ी पड़ेगी। भाई उतारो ए भाई, क्योंकि यही इधर था भाई जाम का। नाली करे नाली करे नाली करे शंकर भाई, भाई जाम से निकल जा भाई। भाई मेन बस ये जाम ही है, अगर इससे निकल गए ना भाई फिर ठीक रह जाओ। डाक आउट लेके जा रहे भाई के, ये जो बैरियर बने हुए हैं इनके बीच में से। भाई शुक्र है बड़े पापा का, जाम ना बस चलते चलते खुल रहा है। और जो कावड़ी जा रहे हैं ना भाई, रॉन्ग साइड भी चल रहे, क्योंकि क्या करें उनको पता, अगर इस रोड पे आ गए ना भाई तो जाम लग जाएगा। बड़े बड़े बस शुक्र है कि बड़ा ही जाम था भाई। ले जाने वाले ना रोक साइड में होंगे, देख भाई रे डा भाई, डाक कॉर्ड पर डाक कॉर्ड जा रही है। हम थोड़ा आगे आगे, क्योंकि पीछे तो जाम था ना, आगे अपना यहाँ पे ठीक है। और भाई देख कितनी डाक कॉर्ड जा रही है, देख एक हो गई एक उधर जा रही है और भी आ रही है भाई। वो देख बोले भाई, ये है देख लो हरिद्वार में बोले भाई। अभी रूट पीछे ना 4-5 किलोमीटर आए हैं, और देख भाई कितना भयंकर जाम है। 1 घंटा हो गया हमें यहाँ फंसे हुए, अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि कब जाम निकलेगा। जो भी डाक कार्ड वाले आ रहे हैं ना, बस जो साइड से जगह मिल रही है ना भाई, बस वहीं से निकल के आ रहे हैं। और ये वाला तो मतलब दिल्ली वाला रोड है, और जो रोंग साइड वाला ना जो हरिद्वार की तरफ जाता है, उस पर इतनी बाइक है ना, उनको जगह मिल रही ना डाक कार्ड वालों जगह, मतलब इस वाले रोड पर फंसे हुए और उस वाले रोड पर भी। अभी भाई जी देखो कितने कावड़ है। हम तो सोच रहे थे कि हरिद्वार के पास ही जाम, नहीं भाई हरिद्वार से बाहर निकल के भी आपको जाम मिलेगा। जैसे ये भाई जा रहे हैं ना देखो, ऐसे ऐसे निकल के जा रहे हैं भाई। वो रहा देखो, वो हर रॉन्ग साइड वाला जहाँ पे बाइक के खड़ी है ना सारी, वो उधर में। तो भाई रुड़की से आगे जो जाम लगा था ना, वो अब जाके खुला 5:30 बजे सुबह के। और भाई रात को जब बारिश हो रही थी ना, और देख ये जो बीच का रोड होता है ना, जहाँ से एक रॉन्ग साइड एक राइट साइड होती है, बाइक वालों ने देखो भाई क्या हालत बना रखे पेड़ों की, क्योंकि भाई दोनों तरफ से जाम चल रहा था ना, तो जहाँ पे जगह मिली थोड़ी बहुत ही उधर से गाड़ी निकाल ली। और अब जो डाक कार्ड भाई पीछे रह गए वो अब निकलेगी, क्योंकि अब थोड़ी उनको राहत मिलेगी गाड़ियों से। कुछ तो बारिश में ने भी दुखी कर दिया भाई, पूरी रात बारिश हो रही थी, अब जाके कुछ
होगा। और ये सेंटर पे भोले बाबा ने कुत्ती मतलब कर दिया भाई। और ये दो बोली जा रही है भाई, अभी देखते हैं भाई कितना। और ये देखिए गाड़ी फंसी हुई है भाई, ये गाड़ी फंसी हुई है क्योंकि यार जगह ही नहीं थी, जिनको जहाँ गाड़ी मिली वहीं फंसा दिया है, वहीं से निकालने की कोशिश की तो फंस गई वो है साथ ही डाकॉर्ड फंस गई भाई। अब जो इसमें बैठे होंगे वो पैदल बाइकों से जा रहे होंगे भाई, क्योंकि डाकॉर्ड नहीं रुकेगी भाई, डाकॉर्ड तो जाके रहेगी। ये देख पूरा जो बाइकें वाइकें निकालने की जगह देख बना रखी है ना, जहाँ जगह मिली वहीं से उतार दियो। एक डाकॉर्ड भाई ये जा रही है देखो, ये भाई अकेला ही बाहर है ना, क्योंकि इसके टीम के मेंबर पता नहीं अब कहाँ से निजाम में निकलेंगे कब निकलेंगे भाई, वो अकेला ही भाई मेहनत लगा रहा पूरी। बड़ा पापा कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गया भाई आज तो, पहले जाम और अब बारिश होगी भाई, दमादम बारिश कर ली है देख कितनी बारिश हो रही है, ये देख बारिश चल रही है। आ हा और घोड़े का भगत ना रुक गया भाई, ना रुक गए ना रुक गए भाई, जाम को निकलवाने के लिए ना अब आया। देखो भाई पुलिस वाले अगर ये पहले आ जाते सुबह से लेकर तो जाम तो ना लगता भाई, अब इनको मार रहे गाड़ी वालों को देख, डंडा मार रहे हो ये इधर में भाई, भयंकर जाम है और ऊपर से बारिश भी आ रही है, दोनों रोड को ले रखा भाई, जाने वालों ने भी आने वालों ने भी, इसी पे भी जा रहे भी रहे आ भी रहे हैं। देख भाई अब फोर्स बुलाई गई है कि भाई जाम को ठीक कराएंगे, क्योंकि कई किलोमीटर का जाम है और इसी में हमें 100 मीटर का मतलब चले होंगे, 1.5 से 2 घंटे लगे 100 मीटर चलने में बस। भाई ये देखो ये जा रहे ग्रेटर नोएडा दिल्ली, दिल्ली की डाक पावट जय बोले भाई, देख दिल्ली वाला लिंक आ गया, आ गया दिल्ली वाला भाई, दिल्ली वाला तो आ गया है ये भाई का, नहीं फिर लाया साजा राजस्थान की है क्या हरियाणा की फिर है भाई। तो भी अब पहुँचे अपनी गाड़ी और ये है हम बड़े बाबा का मंदिर भाई, जहाँ पर हमारे गांव की हसनपुर की जो कावड़ आती है ना डाक कावड़ हो या वैसी कावड़ हो यहीं पर पूजी जाती पहले, और अभी ना गंगा जल चढ़ा दिया भाई, यहाँ पे भंडारा भी होता है और जो पहले आते ना तो उनको जैसे दूध वगैरह गिलास में पेठा केले सब मिलेगा भाई यहाँ बैठा के, और अभी भंडारा तो चल रहा ना भाई, देख भंडारा चलता भाई, एक दो दिन पहले भी घेवर भी है अलग बार देख ले क्या है। ये रे भी अपनी गाड़ी, अब गाड़ी तो साइड में खड़ी है, देख भाई क्या अभी ना जाएगा, सुबह आते ना तो मेला वेला सब पढ़ाई दिखाई देता, अब सब जा चुके धोक जो पूजा करने थे ना जिसको सब जा चुके, अभी जो बाइक वाले हैं वो ही है, क्योंकि पैदल वाले आते ना भाई सुबह के टाइम इतनी भीड़ लगती है इधर पूरा रोड ये वो, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते कोने पे। और ये है रलवा बड़े बाबा का मंदिर,